हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इस बहुत ही खूबसूरत हार्डी इंडोर प्लांट बोस्टर फर्न के बारे में। बोस्टर फर्न एक शेड लविंग प्लांट है जो कि हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। इसे इनडायरेक्ट सनलाइट या फिर शेड में प्लेस करना चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट इसके लीव्स के लिए हार्मफुल होती हैं, डायरेक्ट सनलाइट इसकी लीव्स बंद कर सकती हैं। ये एक बहुत ही हार्डी और लो मेंटेनेंस प्लांट है। अगर आप भी गार्डनिंग के शौकीन हैं और आपको गार्डनिंग के लिए टाइम नहीं मिलता तो ज़रूर आप इसे अपने कलेक्शन में ऐड करिए। आप देख सकते हैं मेरे सिंगल प्लांट में कितने सारे प्लांट हैं। इसे ईजिली प्रोपेगेट किया जा सकता है इन्हें डिवाइड करके। इस फर्न को ज़्यादा डेप्थ पॉट की आवश्यकता नहीं होती। आप इसे ऐसे पॉट में लगाइए जिसकी चौड़ाई अधिक हो बट इसकी डेप्थ कम हो। प्लांट की चौड़ाई जितनी अधिक होगी ये प्लांट उतनी ही तेज़ी से बढ़ेगा। एज अ फर्टिलाइज़र आप इसे हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही दें। बेहतर होगा कि आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को लिक्विड फॉर्म में दें। फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द हमें सभी इंडोर प्लांट को ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही देना चाहिए। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इनकी लीव्स बर्न कर सकता है और प्लांट भी हमारा ख़राब कर सकता है। ये प्लांट पूरे ग्राउंड को कवर करता है जैसे कि आप देख रहे हैं। अगर आप इस प्लांट को ड्राई फर्टिलाइज़र देते भी हैं तो उसके लीव्स पे ही रह जाएगा, सोइल के साथ मिक्स नहीं हो पाएगा जो कि हमारे प्लांट को ख़राब कर देगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप इसे फर्टिलाइज़र लिक्विड फॉर्म में ही दिया करें। इस प्लांट को अधिक फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। इसमें आप 20 से 30 दिनों में एक बार काउडंग या वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये प्लांट समर्स में ही ग्रो करता है, सर्दियों में ये डोरमेंसी में चला जाता है। डोरमेंसी पीरियड प्लांट्स के लिए ऐसा पीरियड होता है जिसमें प्लांट अपनी ग्रोथ रोक देता है। इसकी पत्तियाँ येलो होकर गिरने लग जाती हैं बट इसमें घबराने की कोई बात नहीं। जैसे ही फैब का मंथ आएगा ये अपनी ग्रोथ फिर से स्टार्ट कर देता है। आप इस प्लांट्स में से अननेसेसरी वीड्स सूखी पत्तियों को टाइम टू टाइम कट करते रहें। ये प्लांट आपके इंटीरियर को एक गॉर्जियस लुक देता है और मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ये प्लांट किसी भी लोकल नर्सरी से 50 to 60 रुपीज़ में मिल जाता है। हम एक ही प्लांट को कई प्लांट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब मेरा प्लांट देखिए, इसमें लगभग 3 से 4 प्लांट होंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ, 1, 2, 3 और 4। तो हमें जब ज़रूरत होगी हम इसे डिवाइड भी कर लेंगे। फ़िलहाल आज की हमारी ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। फिर मिलेंगे किसी और न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।